हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है ILR, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, जो हमने कोल्ड चेन में पढ़ा था कि स्मॉल और लार्ज ILR में वैक्सीन्स का स्टोरेज होता है, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम उसी टॉपिक को लेंगे, क्या ILR, ILR फुल फॉर्म क्या है इसकी, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। इसमें क्या किया जाता है, वैक्सीन्स को स्टोर किया जाता है। इसमें वैक्सीन्स को अरेंज किया जाता है, मतलब लाइन से लगाया जाता है। एक बास्केट होती है, बास्केट में लाइन वाइज लगाया जाता है। जो वैक्सीन्स जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब माइनस में रखे जाते हैं, उनको हम सबसे नीचे लगाते हैं, और जिनका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए वैक्सीन्स को, उनको हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अब हमें एक पैटर्न है जो हमें लर्न करना होता है, मतलब कि भाई सबसे नीचे कौन सी वैक्सीन रखें। जैसे OPV है तो उसका टेम्परेचर है -20 डिग्री, मीजल्स है -10 डिग्री। तो ऐसी ही सारी वैक्सीन से आप पिछली वीडियो में पढ़िएगा, मैंने बनाई हुई है, जिसमें टेम्परेचर सबका बताया गया है कि किस वैक्सीन का कितना टेम्परेचर है। ठीक है, तो हम इसमें, इस टॉपिक में हम उन वैक्सीन्स को अरेंज करेंगे कि किस तरीके से टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में उनको रखा जाता है, और जिससे स्टोरेज, मतलब वैक्सीन्स का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो दो लेवल पे हम यूज़ करते हैं ILR, कहाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सब सेंटर लेवल पे। उनकी कैपेसिटी होती है 300 लीटर और सब सेंटर पर होती है 140 लीटर। ठीक है, अब हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस डिस्ट्रिक्ट और सब सेंटर लेवल पे लाइट चली जाती है, ठीक है, मतलब 24 घंटे में से अगर 8 घंटे भी सप्लाई मिले, ठीक है, किसको, ILR को, तो वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसीलिए हम ILR का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन, कैसे कैसे वैक्सीन्स को रखा जाता है। तो हम सबसे नीचे से लेंगे, बॉटम से, ठीक है, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम मतलब सबसे नीचे कौन सी वैक्सीन्स रखी जाती है। ठीक है, और यहां पे आ जाएंगे हम टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर कौन सी वैक्सीन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या है, OPV, हमारी कौन सी वैक्सीन है, OPV, फिर इससे ऊपर हमारी MR या मीजल्स, ठीक है, इसके बाद हमारी BCG या जैपनीज एनसेफलाइटिस, इसके ऊपर हमारी टिटनस, मीजल्स के बाद हमारी कौन सी है, BCG, ठीक है, टॉप बॉटम हो गया और टॉप मोस्ट। तो अब हम वैक्सीन्स को देखेंगे कि कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमारी वैक्सीन आएगी OPV, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा MR, मीजल्स रूबेला और मीजल्स, ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी कौन सी वैक्सीन आएगी, BCG और जैपनीज एनसेफलाइटिस, फिर उसके बाद रोटा वायरस, ठीक है, इसके बाद TT या TD, ठीक है, फिर इसके बाद DPT और IPV, इसके बाद पेंटावेलेंट, इसके बाद हेपेटाइटिस बी, और सबसे ऊपर आएगा हमारा डाइवलेंट। ठीक है, सबसे ऊपर हमारा क्या है, डाइलुएंट, डाइलुएंट मतलब जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं वैक्सीन्स को, जैसे BCG थी, है ना, और सारी वैक्सीन से, मीजल से, इनको हम डिसॉल्व करते हैं ना किसी में, जैसे कि डिस्टिल वाटर, स्टराइल वाटर, ठीक है, तो वो क्या हो गया, डाइलुएंट। उसका भी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है हमें, कितना, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये है अरेंज वाइज वैक्सीन, सबसे पहले OPV, फिर MR, मीजल्स, ठीक है, इसके बाद BCG, जैपनीज एनसेफलाइटिस लाइन से, मतलब, ठीक है, उसके बाद रोटा वायरस, फिर TT, TD,
डीपीटी, आईपीवी, पेंटावेलेंट और हेपेटाइटिस बी, उसके ऊपर डायलेंट, ऐसे करके अरेंज किया जाता है वैक्सीन्स को। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखनी है कि कोई भी एक्सपायरी डेट है तो उसे अलग रखें। ठीक है, बाकी इस तरीके से बॉटम से लेके टॉप तक इन वैक्सीन्स को अरेंज किया जाता है। इसमें ये एक चीज़ और है, मतलब जो इसका टेम्परे, ये तो हो गया वैक्सीन्स, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप कि इसका जो टेम्परेचर है वो कब लिया जाता है और किस चीज़ से लिया जाता है। ठीक है, जो टेम्परेचर है ILR का, टेम्परेचर ऑफ ILR मस्ट बी टेकन ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में दो बार। ठीक है, क्या लिया जाएगा टेम्परेचर, कब, मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है, दो टाइम इसका हम टेम्परेचर लेंगे। किसके द्वारा लेंगे, बाय डायल थर्मामीटर। ठीक है, इसका एक थर्मामीटर है, उसको, उसका क्या नाम है, डायल थर्मामीटर, उसके द्वारा हम टेम्परेचर लेंगे। ठीक है, अब इसकी जो क्लीनिंग है, ILR को क्लीन कब करना चाहिए, मंथ में एक बार। ILR मस्ट बी क्लीन वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार इसको साफ करना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर का बता दिया, दो बार लेना चाहिए, किससे, डायल थर्मामीटर से। ILR को क्लीन करना चाहिए महीने में एक बार। वैक्सीन्स को कैसे अरेंज करना चाहिए, एक्सपायरी वैक्सीन से उनको अलग रखना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर